देखो हम कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नडीन गोडीमर के बारे में। नडीन गोडीमर के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा इस वीडियो में वो होगा इसकी दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनके नेम की प्रोनंसिएशन आपको गोडीमर भी मिलेगी और गोडीमर भी मिलेगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नडीन गोडीमर। इनका टाइम स्पेन 1923 से स्टार्ट होता है, 2014 तक चलता है। ये एक साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुकी हैं। ये एंटी अपार्थाइड राइटर थी, यानी बहुत ज़्यादा जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी उसकी एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। ठीक है, शी वॉज द फ्रेंड ऑफ नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला के लिए बेसिकली इसने 1964 एंड 1990 में रिस्पेक्टिवली स्पीचेस भी लिखी थी। 1991 में नडीन गोडीमर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया। अगर हम इसके वर्क्स के बारे में बात करें तो बर्गर्स डेथ, द कंजर्वेशनिस्ट, द लास्ट बोर्जियस डॉटर, द वर्ड ऑफ स्ट्रेंजर। ठीक है, ये इनके कुछ वर्क्स हैं। और आपको एक प्लस पॉइंट बता दूं कि इनके वर्क्स को तकरीबन कुछ एक से दो वर्क्स को या उससे भी ज़्यादा, मोस्टली दो वर्क्स आते हैं जिनको बैन कर दिया गया था, फॉर अ डेकर और मोर देन अ डेकर। ठीक है, अगर नडीन गोडीमर की अगर हम राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो नडीन गोडीमर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक्टिविस्ट रह चुकी हैं एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की, तो वो रेशियल सेग्रीगेशन की बात करती हैं अपने वर्क्स के अंदर। इनका जो स्टाइल होता है वो नैरेटिव स्टाइल होता है, सार्केस्टिक टोन का यूज़ करती हैं, सिंबलिज्म एंड सिंपल या हम कह सकते हैं कोलोकुअल डिक्शन यूज़ करती हैं। इनके जो करेक्टर्स होते हैं उनके अंदर नुएंस्ड यानी न्यूनेस हमें देखने को मिलती है, चेंज करेक्टर्स होते हैं, ब्लैक करेक्टर्स को वो यूज़ करनी है, ऑर्डनरी करेक्टर्स यूज़ करती हैं, लेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, और एट द सेम टाइम वो क्रुएलिटीज़ को ऑफ वाइट्स टूअर्ड द ब्लैक्स यानी कॉलोनियलिज्म के परस्पेक्टिव से भी वो अपने वर्क के अंदर हमें देख कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करती हैं। अगर हम इसके कुछ कोटेशंस जो मैं आपके सामने रख रही हूँ यहाँ पे, वो कहती है देर इज़ नो सच थिंग एज रेस, जस्ट एज ह्यूमन रेस मेड अप ऑफ इंडिविजुअल बींग, कि कोई भी रेस ऐसी चीज़ है ही नहीं, वो इंसान की बनाई हुई है। ठीक है, वो कहती हैं आई एम फैसिनेटेड विद द ह्यूमन कंडीशन। तो ये दो कोटेशंस हैं जो आपकी आप इनकी शॉर्ट स्टोरी जब नडीन गोडीमर को के क्वेश्चन को आप डिस्कस करोगे तो आप उसके अंदर बयान कर सकते हो, लिख सकते हो। जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है नडीन गोडीमर की जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्टीमेट सफारी। 1991 में ये जंप एंड अदर स्टोरीज में इसे पब्लिश करवाया गया था। इस शॉर्ट स्टोरी में हमें नॉन लीनियर प्रोट देखने को मिलता है। इस शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग है बेसिकली आपको हमें मल्टीपल सेटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर मोजाम्बिक के अंदर ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, मोजाम्बिक फैमिली दिखाई हुई है, फिर वो क्रूगर पार्ट से होकर रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं, तो फिर लास्ट पे जो सेटिंग है वो रिफ्यूजी कैंप की दिखाई हुई है। ठीक है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट में हमें अपार्थाइड मूवमेंट देखने को मिलती है, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से या हमें कॉलोनियल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑन द ब्लैक्स, कि किस तरीके से जो बैंडिट्स हैं वो आते हैं इनके घर बार को लूट लेते हैं और इसके अलावा जला देते हैं, हॉस्पिटल्स को जला देते हैं, तो ये हमें सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट स्टोरी जो है लिखी गई है। इस शॉर्ट स्टोरी की जो नरेटर है बेसिकली एक यंग गर्ल है। ठीक है, इस शॉर्ट स्टोरी में जितने भी करेक्टर्स दिखाए हुए हैं सारे ही करेक्टर अननेम्ड है। ठीक है, पहला करेक्टर हमारे पास यंग गर्ल का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो बेसिकली इस शॉर्ट स्टोरी की नरेटर भी होती हैं। यंग गर्ल की ग्रैंड मदर दिखाई हुई है और इसी के ग्रैंड फादर का करेक्टर है। फिर बैंडिट्स का करेक्टर दिखाया हुआ है, जो बैंडिट्स होते हैं बेसिकली वह हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पीपल होते हैं जो आते हैं और इनके विलेज, यानी ये जो दिखाई हुई है ना यंग गर्ल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये सारी ब्लैक फैमिली है। ठीक है, मोजाम्बिक फैमिली है ये एक, और जो बैंडिट्स आते हैं इनके विलेज में और इनके विलेज को तबाह कर देते हैं, इनकी जो जगह है या जो भी प्लेसेस हैं, इनके एनिमल्स हैं, इनके गार्डन्स फॉर्म्स वगैरह को पर कब्जा कर लेते हैं, तो यहाँ ये दिखाई हुई सिचुएशन। इसके अलावा इसके फादर, मदर और इसके ब्रदर का करेक्टर दिखाया हुआ है। अगर यहाँ आप थोड़ा सा इस पर नोटिस करो तो ये सारे करेक्टर अननेम्ड है, कोई भी करेक्टर का नाम यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रैंड मदर का करेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई हुई है, एक फिम डिटर्मिंड करेक्टर दिखाई हुई है, जो डिसीजन लेती है अपने ग्रैंड डॉटर के बारे में, अपने यानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में। और इसके अलावा जो यहाँ पे मदर और फादर का करेक्टर दिखाया हुआ है, ये दोनों ही करेक्टर जो होते हैं वो अपीयर नहीं होते। इन दोनों करेक्टर के बारे में ये कहा गया है, जैसे ही नॉवल स्टार्ट होती है तो उसकी मदर के बारे में कहा गया है कि इसकी मदर जाती है
लेकिन कभी शॉप से वापस नहीं आई। शॉप में गई है इसकी मदर और कभी वहाँ से वापस नहीं आई। और इसी तरह फादर के बारे में दिखाया गया है कि वो वार में गया है और वार से कभी वापस नहीं आया। लेकिन जो यहाँ पे यंग गर्ल है उसके उसके हार्ट में एक होप है कि उसे होप है कि उसका फादर और उसकी मदर और इसके जो ग्रैंड फादर है वो ज़रूर आएंगे वापस। और यही होप हमें एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी यानी जो लास्ट वाला इस पे पैराग्राफ का डायलॉग दिखाया हुआ है उसमें भी देखने को मिलती है। और इसी तरह जो ग्रैंड फादर का करेक्टर दिखाया हुआ है तो ग्रैंड फादर का करेक्टर इस तरह है कि उसके पास एक फार्म होता है, उसके पास एनिमल्स होते हैं, काऊ होती है और शीप होती है। तो ये क्या करती है, इसके जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये सारे एनिमल और एक फार्म जो होता है गार्डन बेसिकली होता है तो वो उसे ले लेते हैं, बैंडिस उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये जो सारी फैमिली है तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, यंग गर्ल और इसके ब्रदर, ठीक है। इसका एक छोटा ब्रदर दिखाया हुआ और एक ब्रदर को एल्डर ब्रदर के तौर पे यानी फर्स्ट ब्रदर के तौर पे भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन उसकी इतनी हमें डायलॉग्स है इस तरह कुछ नहीं देखने को मिलता। एनीहाउ हम देखते हैं कि ये जो सारे करेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं थ्रू द क्रूगर पार्क। अब ये जो क्रूगर पार्क क्या होता है, क्रूगर पार्क जो हमारी राइटर है वो खुद डिफाइन करती है इन सच सेंस। वो कहती है क्रूगर पार्क बेसिकली वो वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स थी जहाँ हर तरह के एनिमल्स थे, ठीक है। अगर हम मैं आपको क्रूगर पार्क की जब मैं बात कर रही हूँ तो क्रूगर पार्क से वो होके गुजरते हैं। आप मेक श्योर कीजिए कि जब मैं इस चैनल पे जो भी हम पॉइंट डिस्कस करते हैं तो हम उसके शॉर्ट स्टोरी या नॉवल या जो भी जॉनर होता है तो हम उसके जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्रिटिकल एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने समरी सुनी हो तो वहाँ पर जो क्रूगर पार्क की बात की गई है जो मैंने आपको बताया, जो ओरिजिनल टेक्स्ट में भी बेसिकली वो खुद कहती है कि जो क्रूगर पार्क थी वो एक लाइक अ वर्ल्ड ऑफ एनिमल थी जहाँ हर तरह के एनिमल थे, जैकल्स, लायन, एलिफेंट एंड सो ऑन। अब यही क्लूकल बात से क्रूगर पार्क से हमें बेसिकली जो टाइटल की सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है। टाइटल की सिग्निफिकेंस इस तरह, जो अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, ठीक है, और सफारी का मतलब होता है एक एक्सपीडिशन या जर्नी टू सी द वाइल्ड एनिमल्स, या स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में ये यूज़ किया जाता है ना सफारी को, यानी एक जर्नी हम कह सकते हैं ट्रिप टू सी द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो अल्टीमेट सफारी हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे ब्लैक फैमिली है, ये ब्लैक पीपल हैं, उनकी कम्युनिटी या उनकी सोसाइटी में क्या हुआ है कि बैंडिट्स आए हैं और बैंडिट्स ने उनको अक्यूपाई कर लिया, उन्हें इनके घरों से निकाल दिया है और अब वो होते होते एक रिफ्यूजी कैंप में जा रहे हैं। लेकिन रिफ्यूजी कैंप में जाने से पहले उन्हें क्रूगर पार्क से होकर गुजरना पड़ेगा। अब जो क्रूगर पार्क मैंने बता दिया है, अब यहीं पर ये जो अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट सफारी इसी बात को रेफ़र करती है कि यहाँ पर जिस जो पार्क से होकर गुजरना है ना इन्होंने, वो पार्क है बेसिकली एनिमल्स की वर्ल्ड, ठीक है। तो सफारी इसी बात को रेफ़र करती है जिसकी वजह से ये टाइटल जस्टिफाइड है। और हम देखते हैं कि जब वो क्रूगर पार्क से होकर गुजरते हैं वहाँ एनिमल्स होते हैं, लायंस होते हैं, जैकल्स होते हैं और ये जो है उसे देख के डर जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमें सिंबोलिज्म भी देखने को मिलती है कि जो एलिफेंट है और लायन है जो इस फियर को सिंबलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स को भी हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि अल्टीमेट सफारी टाइटल भी क्लियर हो गया होगा। इसका नैरेटिव स्टाइल हमें देखने को मिलता है और एट द सेम टाइम हमें लास्ट में एक से दो कन्वर्सेशन यानी डायलॉग की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जब आता है एक न्यूज़ पर्सन, ठीक है, तो उसका करैक्टर एक माइनर सा करैक्टर दिखाया हुआ है कि लास्ट में न्यूज़ रिपोर्टर आता है और वो इनसे पूछता है इनके बारे में, ग्रैंड मदर के बारे से यानी उनकी जर्नी के बारे में और उनके हाउस के बारे में पूछता है, जिस पे इनकी ग्रैंड मदर कहती है कि अब हमारा कोई हाउस नहीं है, कोई भी बैक नथिंग वो कहती है। और लेकिन ये जो हमारी मेन प्रोटैगोनिस्ट है यंग गर्ल, वो कहती है कि नहीं, हम वापस जाएंगे, मेरी मदर और मेरे ग्रैंडफादर हमारा वेट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा सिंबलिज्म हमें ट्री, एलिफेंट, यंग गर्ल, ग्रैंड मदर का सिंबल हमें देखने को मिलता है और आयरनी भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम आयरनी की बात करें तो आयरनी हम देखते हैं, सफारी मैंने आपको बताया था ना एक ट्रिप टू सी द वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन यहाँ पे वो जगह जहाँ जो वाइल्ड हैं वो वाइल्ड एनिमल्स इन अफ्रीका देखने के लिए विजिट करते हैं, खुद पैसे दे के यानी वो इंजॉय के लिए आते हैं, तो वहीं उसी जगह ये जो ब्लैक पीपल है ये डरते डरते अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आयरनी क्रिएट की हुई है। अगर हम इनके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो अननेम्ड या आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, कि उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया है उनके घरों से, ठीक है, और इवन के जो राइटर ने भी उन्हें कोई नाम नहीं दिया, ठीक है। रेशियल सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलती है कि जैसे ही ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह उसकी मदर भी वापस नहीं आती, उसका फादर भी नहीं आता वार से वापस, और जब इवन के वो ये दिखाया हुआ है कि वो डरते हैं कि कहीं बैंडिट्स ना पकड़ ले, और वो खुद कहते हैं वी वॉन्ट टू गो टू अ प्लेस वेयर देर नो बैंडिट्स एंड वेयर देर
फूड, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे पेन एंड सफरिंग दिखाई गई है, वो खुद कहती है, जो हमारी यंग गर्ल है वो कहती है कि मेरी जो टीयर्स थे वो मेरी आंसुओं से, सॉरी टीयर्स जो मेरी चिक्स से मेरे आंसुओं पे गिर रहे थे। और फिर वो बताती है कि हमारे पास फूड भी नहीं था, यानी वहाँ पर स्टार्वेशन थी, उनके घरों को और इवन के उनके हॉस्पिटल्स जहाँ वो जाया करते थे और उनके चर्चेस को भी बॉम्ब से ना उसे फायर कर दिया गया था ना उन्हें। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे उनकी पेन और सफरिंग, और इवन कि उनकी पेन और सफरिंग हम यहाँ उस सीन में भी दिखाई हुई है इस शॉर्ट स्टोरी के, कि जब वो क्रूगर पार्क से होके गुजरते हैं तो उनके अंदर एक डर होता है। वो कहते हैं कि वी वॉक लाइक द एनिमल्स अमंग द एनिमल, ठीक है, एनिमल की तरह हम एनिमल के दरमियान ही चलते जा रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग या डीह्यूमनाइजिंग जो कॉन्सेप्ट है उनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। डिस्प्लेसमेंट और होमलेसनेस के थीम में देखने को मिलते हैं कि उनका जो अपना होम था, उन्हें अपने घरों को छोड़ के, अपने टाउन को छोड़ के जहाँ पे बैंडिट्स आ गए थे, उन्हें किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ा और दूसरी जगह यानी रिफ्यूजी कैंप में वो जा रहे थे। और ड्यूरिंग द दैट जर्नी जो इन सब कुछ इन्होंने फेस किया, ठीक है। डिसपरेशन, होप एंड होपलेसनेस, जो मैंने आपको बताया कि इसमें होप भी है और होपलेसनेस भी है। होप क्या है कि जो डॉटर यंग गर्ल है उसकी होप है कि उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, उसकी मदर वापस आएंगे। लेकिन होपलेसनेस हम देखते हैं कि जब उनके यहाँ पे ना एक सीन है, जब वो क्रूगर पार्क से होके गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग ग्रास होती है जिसे बेसिकली एलिफेंट ग्रास कहा गया, यानी बहुत बड़ी बड़ी ग्रास होती हैं, जिसमें उनके जो ग्रैंडफादर है वो गुम हो जाते हैं और वो कभी भी इन्हें वापस नहीं मिलते। वो बहुत वेट करते हैं अपने ग्रैंडफादर का, लेकिन कब तक, क्योंकि उन्हें रिफ्यूजी कैंप में जाना होता है तो क्रूगर पार्क में होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के दरमियान होते हैं, तो इसलिए वो बहुत सारे वेट करते हैं, होप करते हैं कि वो उनका जो ग्रैंडफादर है वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता, जिसकी वजह से होपलेस होकर उन्हें आगे मूव करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी जो यंग गर्ल है उसके माइंड में अभी भी एक होप है कि अभी जो ग्रैंडफादर है और ग्रैंडफादर और उसकी मदर, ठीक है, ये हमारा घर में वेट कर रहे होंगे और हम अपने घर वापस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एलियनेशन देखते हैं। हर कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, वो एलियनेट हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को हाईलाइट किया गया है कि वो अपनी लाइफ में अंदर एलियनेट हो चुके हैं। हर इंसान यहाँ पे जो दिखाया हुआ है वो अपनी लाइफ के बारे में, या हम कह सकते हैं वो अपने ही अंदर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल कम्यूनिटी कुछ भी एज सच नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। एलियनेशन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया है। पावर एंड ट्रूथ के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर जो पावर है बेसिकली वो करप्ट है, ठीक है, और जो ट्रूथ है हम रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यहाँ जैसे अपार्थाइड, रेशियल सेग्रीगेशन वगैरह को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और रेशियल सेग्रीगेशन हम देखते हैं कि किस तरह से वो ब्लैक थे और इन्हें सब्जुगेट किया गया और उनके हाउसेस को छीन लिया गया, उन्हें बॉम्बिंग, उन्होंने फेस की पेन को, फेस की सफरिंग, फेस की फियर था उनके दरमियान, ठीक है। मैन वर्सेस नेचर हमें देखने को मिलता है, या रोल ऑफ नेचर या रोल ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो पॉइंट है यानी रोल ऑफ लैंग्वेज, हम देखते हैं कि जो लास्ट पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लास्ट पे क्या होता है कि जो इंग्लिश पीपल आते हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वाइट पीपल आते हैं, उनकी फोटोग्राफ, और वो खुद बता रही है, यानी ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो जो यंग गर्ल है वो अपनी स्टोरी को नरेट करती है, वो बताती है कि लास्ट पे, यानी लास्ट वाला जो इससे शॉर्ट स्टोरी के पैराग्राफ्स हैं, वहाँ पे ये बताया हुआ है कि वाइट पीपल आते हैं हमारी फोटोग्राफ लेने के लिए, और हमारे ऑफ आवर पीपल लिविंग इन द टेंट, यानी जो हमारे पीपल टेंट में रह रहे हैं यानी उस रिफ्यूजी कैंप में रहे हैं, तो उनकी कंडीशन पूछती है। और मेरी जब ग्रैंड मदर से उन्होंने क्वेश्चन किया तो हमें उनकी समझ नहीं आ रही थी, फिर एक पर्सन ने उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, फिर उन्हें हमें उनकी समझ आई, ठीक है। और रोल ऑफ नेचर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह वो जो क्रूगर पार्क से होके गुजरते हैं, वहाँ जो नेचर है, वहाँ एलिफेंट ग्रास, इन सब का रोल किस तरह एक नेगेटिव सेंस में जो हमारी राइटर है उसने दिखाया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे लॉस भी दिखाया हुआ और डेथ भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से उनके पीपल की डेथ हो गई है और उनकी, उसकी मदर का भी लॉस हो गया, उनके हाउसेस की, उनके हर चीज़ का वहाँ पे लॉस को हाईलाइट किया गया। स्टार्वेशन एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रगल देखने को मिलती है। अब स्टार्वेशन क्या है, यहाँ पर स्टार्वेशन को हाईलाइट किया गया है क्योंकि यहाँ पे उनके पास फूड नहीं था। इवन कि यहाँ पे जो हमारी राइटर है वो ये भी कहती है, इफ़ देयर चिल्ड्रन डू नॉट ईट सून दे विल डाई, यानी इतनी कंडीशन बुरी हो चुकी थी कि अगर वो चिल्ड्रन को खाना नहीं मिलता तो दे विल डाई, वो मर जाएंगे, ठीक है। और रेसिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्लैक्स थे, उन्हीं उसी ब्लैक्स कलर की वजह से उन्हें इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा। यहाँ पर मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती भी गई हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या आपको ये कोटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो हमारी शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
वो है वंस अपॉन अ टाइम। सेकंड शॉर्ट स्टोरी बाय नेडिन गॉर्डिमर है, 1989 में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। इस शॉर्ट स्टोरी की हमें ओपन एंडिंग दिखाई हुई है, क्योंकि लास्ट पे क्या होता है कि जो इनका गार्डनर होता है वो ग्रैंड मदर, ठीक है, और गार्डनर होता है बेसिकली हाउस मेड, और उसकी जो मदर होती है, ठीक है, ये जो बॉय होता है जो इंजर्ड हो जाता है उसे अंदर ले जा रहे होते हैं, बेसिकली वो बॉय की डेथ हो जाती है। तो हम यहाँ ओपन एंडिंग देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका में इसकी सेटिंग रखी गई है, अगैन इन अफ्रीकन कंट्री, यानी अफ्रीका में रखी गई है ना अगैन, तो यहाँ भी फिर अगर अफ्रीका तो हमें यहाँ भी जो है रेसिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी अफ्रीका की बात होती है तो वहाँ पे रेसिज्म ज़रूर आता है, क्योंकि अफ्रीकन पीपल ने कॉलोनाइजेशन को भी फेस किया, इवन के बहुत सारे उनके राइटर जो हैं वो अपनी ही रेशियल सेग्रीगेशन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखते हैं। हम इसके अंदर जो बैकग्राउंड वो अपार्टहाइड मूवमेंट देखने को मिलती है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड इस तरह दिखाया हुआ है कि जो बाहर सिटी में राइट्स हो रहे हैं और जो ब्लैक पीपल है वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो एंटी अपार्टहाइड हम कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये शॉर्ट स्टोरी जो है लिखी गई है, इस शॉर्ट स्टोरी का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी का जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है और सेकंड पार्ट के अंदर हमें थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके अंदर हमें आउटर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है कि सोसाइटी में जो स्लेव्स हैं अपने राइट्स के लिए वो बेसिकली राइट्स कर रहे हैं, यानी मुहिम वगैरह चला रहे हैं अपने राइट्स वगैरह के लिए, वो ना मूवमेंट्स चला रहे हैं, तो ये हमें देखने को मिलती है आउटर कन्फ्लिक्ट। करेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर मदर का, फादर का, बॉय का करेक्टर दिखाया हुआ है, इसके अलावा ग्रैंड मदर का, यहाँ गॉर्डिमर यानी गॉर्डिमर के नाम से एक करेक्टर दिखाया हुआ है, ठीक है, हाउस मेड दिखाई हुई है और गार्डनर दिखाया हुआ है। बेसिकली इन करेक्टर्स को आप नोट कीजिएगा, ये जो सारी फैमिली यानी मदर, फादर, बॉय एंड ग्रैंड मदर, ये जो है ये सारे ही वाइट पीपल हैं, ठीक है, और जो हाउसमेड एंड गार्डनर है ये ब्लैक पर्सन है, ठीक है, ब्लैक पीपल हैं। और जो गॉर्डिमर है वो स्टार्ट में जो शॉर्ट स्टोरी का, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट्स हैं, तो इस पार्ट्स तो नहीं है, बेसिकली एक ही सीक्वेंस के अंदर लिखी गई है, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर जो हमारी गॉर्डिमर है ना, जो करेक्टर है, वो अपने आप को बेसिकली एक स्टोरी सुनाती है, ठीक है, एक हम कह सकते हैं बेड नाइट स्टोरी सुनाती है, इस तरह एक ना स्टोरी सुनाती है अपने आप को। तो वो स्टोरी ये होती है जो आगे हमें ये वाइट एंड ब्लैक के साथ हमें देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि इस तरह है कि जो शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है उसमें नडीन गॉर्डिमर यानी एक ये करेक्टर दिखाई हुई है जो अपने घर में लेटी हुई है, और इसमें एक इनके करीब घर के करीब बेसिकली माइन, जो माइन की होती है ना काने वगैरह, वो उसका वर्क चल रहा है, और ये डर जाती है क्योंकि अचानक से बहुत तेज सी आवाज़ आती है, और ये हेलुसिनेशन इसे आता है कि कोई ना इसके घर में चल के आ रहा है इसके पीछे, लेकिन वो बाद में उसे फील होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो अपने आप को एक स्टोरी सुनानी शुरू कर देती है, और वो स्टोरी ये होती है वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सिंबलिज्म यूज़ किया गया, आयरनी, नुएंस्ड स्टाइल हमें देखने को मिलता है, मेटाफर देखने को मिलता है। सिंबलिज्म की बात करें तो यहाँ पे वॉल, ब्रिक्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जो वॉल और ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स हैं, ये दोनों ही प्रोटेक्शन का सिंबल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन करेक्टर्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्लैक पीपल वो वॉल ना बनाते हैं, ठीक है, यानी वॉल दिखाई हुई है वहाँ पे, कोल्ड वॉल वॉल दिखाई हुई है ना, और वॉल को जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें इस तरह डिफाइन किया गया है, मेटल सिक्योरिटी कॉइल वॉल, ठीक है, इस तरह। इवन के वो क्या करते हैं कि उन्होंने टीथ के वो एक रेजर वॉल बनाते हैं जिसमें वो ड्रैगन्स टीथ यूज़ करते हैं, और लास्ट पे हम देखते हैं वो एक कोल्ड वॉल होती है जिसमें जो इनका अपना ही बेटा है ना वो उसी की क्लचेस में आ जाता है, ठीक है, और उसकी फिर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आयरनी भी क्रिएट की गई कि वो अपने डिफेंस के लिए इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा, पहले वो वॉल बनाते हैं, यानी यहाँ पे ना स्टेप्स दिखाए हुए हैं कि स्टेप से मुराद ये कि वो ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लेते ही गए हैं, यानी पहले क्या करते हैं कि वो अपने जो घर की दीवारों को ऊंचा कर लेते हैं, फिर ड्रैगन्स टीथ से वॉल बनाते हैं, रेजर वॉल बनाते हैं, फिर सिक्योरिटी कॉइल उस पर लगाते हैं, और लास्ट पे क्या होता है वो दूसरे से प्रोटेक्शन लेते लेते यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए करते करते फ्रॉम द ब्लैक उनका जो खुद के बेटे की उससे इतने प्रोटेक्शन में ही डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो उसे जो होती है ना जो रेजर वॉल जो ड्रग्स के टीथ होते हैं, और इसके अलावा ये जो सिक्योरिटी कोयल इन्होंने बेसिकली लगाई होती है वो इसके अंदर आ जाता है और जकड़ा ही जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसके थीमेटिक एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर हमें रेसिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे रेसिज्म को हाईलाइट किया गया है,
क्योंकि इसमें हमने देखा है कि यहाँ पे ब्लैक एक हाउस मेड है और दूसरा गार्डनर, ये दोनों ही ब्लैक पीपल हैं, ठीक है। हाउस मेड और गार्डनर ये बहुत ही ब्लैक होने के साथ साथ ये ट्रस्ट वर्थी भी है। यहाँ भी आयरनी है क्योंकि वो उन्होंने क्या ये वाइट फैमिली ने ब्लैक पीपल को अपने घर में रखा हुआ है, यानी ट्रस्ट करते हैं उन पर, बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है ना शॉर्ट स्टोरी में। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो बाहर के ब्लैक पीपल हैं जो राइट्स वगैरह कर रहे हैं तो वो उनसे डरते हैं, ठीक है। यहाँ रेसिज्म को हाईलाइट किया गया है कि वो रेस की बना पे, यानी ब्लैक पीपल्स वो जो राइट्स के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी बना पे इन्होंने अपने आप को सेव किया। ये उन्हें ना ये कहते हैं कि जो बार राइट्स हो रहे हैं वो हमें नुकसान ना पहुँचाएं एंड सो ऑन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, डुअलिज्म हमें देखने को मिलता है। अब जो डुअलिज्म है ना, डुअलिज्म जैसे मैंने आपको बताया दो हाफ टू हाफ्स के साथ आप कह सकते हो, या ये जो शॉर्ट स्टोरी जो गॉर्डिमर अपने आप को सुनाती है उसकी सूरत में हम डुअलिज्म को उस कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। क्योंकि फर्स्टली क्या होता है कि जो इवेंट है ट्रू इवेंट हाईलाइट किया गया है, जो नडीन गॉर्डिमर जो ऑथर है वो बयान करती है और ये बताती है वो एक वाइट लेडी है, ठीक है। और इसके अलावा वो ये बयान करती है कि मैंने सुना यानी रियलिटी में जो चीज़ें हो रही थी। और दूसरा सेकंड हाफ है जिसके अंदर मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो डुअलिज्म का सेकंड पार्ट है, तो उसके अंदर हमें अपार्थाइट मूवमेंट और ये सारी वंस अपॉन अ टाइम देखने को मिलती है। फियर दिखाया हुआ है वाइट का टुवर्ड्स ब्लैक और मटेरियलिस्टिक पोजेशन हमें देखने को मिलती है, इस तरह कि वो अपने घर को बहुत संभाल यानी घर की चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं कि वहाँ पे उनकी एक्सपेंसिव चीज़ें कि कहीं जो बाहर स्लेव आ रहे हैं उनकी एक्सपेंसिव चीज़ों को ना ले जाएं। इसके पीछे हमें देखने को मिलता है एक वाइट का स्केप फ्रॉम ब्लैक एंड ब्लैक का स्केप टू ब्लैक, ठीक है। ब्लैक का किस तरह के जो यहाँ पे हाउसमेट का करेक्टर दिखाया हुआ है ना, वो मना कर देती है कि इनके जो दरवाजे पे यानी इनके डोर पे जो पर्सन आया उसे खाना देने से मना कर देती है। एक ब्लैक ही दूसरे से ब्लैक से एस्केप दिखाया हुआ है, ये उसकी रिजेक्शन कर रहा है। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि वाइट जो है वो इस्केप चाहता है ब्लैक से, ठीक है। ब्लैक को रिजेक्ट कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं। इन सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है, आइडेंटिटी देखने को मिलती है, जो हमारे पास नेम तो है नहीं, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रगल दिखाई हुई है, ये एक वाइट फैमिली की स्ट्रगल दिखाई गई है टू सेव द होल फैमिली, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो खुद ही उसका शिकार हो जाते हैं। पॉलिटिकल अपहीवल्स दिखाए हुए हैं कि जो सिचुएशन ऑफ द कंट्री यहाँ पे हाईलाइट की गई है ना वो बहुत ज़्यादा वर्स है, ठीक है। जनरेशन गैप हमें देखने को मिलता है, वो किस तरह के यहाँ पे जो इनका सन दिखाया हुआ है ना यानी जो लिटिल बॉय होता है वो किस तरह मरता है कि उसने ना एक बैड टाइम स्टोरी सुनी होती है, वो एक बेड टाइम स्टोरी बेसिकली सुनता है जिसका नाम होता है स्लीपिंग ब्यूटी। और इसके अंदर जो बेसिकली हीरो दिखाया हुआ होता है या प्रिंस दिखाया होता है उसकी तरह वो स्टोरी सुनने के बाद उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। कि आपने आपको पता है जब स्टोरीज में जो प्रिंस होते हैं उनके जो हीरो होते हैं फिर उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स भी होती है वो भी हीरो वाली इस तरह दिखाई हुई होती है ना, तो ये वो सुनता है और उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट पर क्या होता है, ये खुद ही जो इनकी बेसिकली ड्रैगन्स टीथ से जो वॉल बनाई होती है उसी के अंदर वो खुद आ जाता है, वो इतने बुरे तरीके से वो जकड़ा जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है। और फिर लास्ट में क्या दिखाया हुआ है कि जो गार्डनर है हाउसमेड है और इसकी मदर जो है वो रोते हुए इसे अंदर ले जा रही होते हैं, ठीक है। तो ये थे इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ पर्सपेक्टिव जिसे आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। ये कोटेशंस आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ले सकते हैं जहाँ आपको इस कोटेशन की पीपीटी स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और बाकी बहुत सारी कोटेशन यानी जो भी मैंने अपलोड कर चुकी हैं अभी तक वीडियोस उन सबके मिल जाएंगी आपको। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट इसमें ऐड करना हुआ तो वो भी मैं अपने इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर पिन कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए करें, उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है यानी जो इसी शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोटेशंस लिखी हैं वो ये वो सारी कोटेशन है जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि सिक्योरिटी थीम ऑफ सिक्योरिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कंसल्टेंट ड्रैगन्स टीथ द पीपल फॉर टोटल सिक्योरिटी यानी कि इस तरह वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिखाया हुआ ये जो कोटेशन है ये फर्स्ट वाली कोटेशन बेसिकली जैसे मैंने बताया जो नरेटर होती है वो अपने आप को वो डर जाती है तो वो कहती है बट आई हैव द सेम फियर एज पीपल हु डू टेक दिस प्रिकॉशन, उसको हाईलाइट किया गया, ठीक है। फिर हमें रेसिज्म है, इनसिक्योरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन द राइट्स वर सप्रेस्ड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। वो कह रही है कि जो राइट्स हैं बाहर वो जो पीपल कर रहे हैं उन्हें सप्रेस किया गया है, सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। फिर और इसके अलावा ये वाली जो लास्ट वाली दो कोटेशन है ये इस शॉर्ट स्टोरी के लास्ट से ली गई है जिसमें बताया गया है द ब्लीडिंग मैस ऑफ बिग वॉज हैक्ड आउट ऑफ द सिक्योरिटी कॉइल, ठीक है। ये उस लिटिल बॉय के बारे में कहा गया है। दे कैरिड इट द मदर,
द हाउस मेड द वीपिंग गार्डनर इन टू द हाउस, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो इसे घर में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप से कि आपको समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने दो शॉर्ट स्टोरीज को कवर किए हैं नडीन गोर्डेमर की। तो इंशाल्लाह आज की नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसी एक नई स्टोरी को, जहाँ या तो हम फ्रेंड्स काफ्का को डिस्कस करेंगे या हम करेंगे द डेड बाय जेम्स जॉयस, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़लस्तीन के पीपल को, कश्मीर के पीपल को, और यानी जितने भी मुसलमान इस वक्त मुसीबत में है, जेनोसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्रुएलिटी को, ब्रुटैलिटी को, पेन को, सफरिंग को, लॉस को, यानी आजकल का हालात इसी तरह है। ये सारी वर्ल्ड के सामने फ़लस्तीन की प्रॉब्लम्स, तो उनके अपना अपने दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, ठीक है। जितनी हो सके ऑनलाइन या फिज़िकल उनकी मदद भी कीजिएगा, मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।